हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं पहनी हूँ चश्मा और चश्मा पे ये लाइट आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे आँखों में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए मैं चश्मा दिन भर ऐसे पहन के रख रही हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और 6 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की। और किस लिए की? क्योंकि आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर सोची कि आज कोई स्पेशल दिन है, तो आज है वैलेंटाइन डे। तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। और कहीं घंटी बज रहा है, दिया बत्ती, साँझ, क्योंकि साँझ हो गया ना, इसीलिए। तो आप और ये देखिए, मेरा अब ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही बचा है, लग रहा है कल परसों में ठीक हो जाएगा। कितने दिनों तक ये मेरा रह गया। तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रेंड, जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड है और मेरे मतलब साथी हुए संग, मतलब मेरे लाइफ साथी, मतलब वैसे ही कुछ हुए, और वैसा कुछ नहीं हुए तो मेरे यूट्यूब फैमिली तो ज़रूर हुए। तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप लोग भी अच्छे से मनाइएगा, अच्छा अच्छा गिफ्ट लीजिएगा, अपने हस्बैंड को दीजिएगा, और मेरे साथ भी मुझे भी बताइएगा क्या दिया। और मैंने भी कुछ लिया है अपने हस्बैंड को देने के लिए, तो मैं ऐसे कुछ मतलब यूज होने वाला चीज़ ही दे देती हूँ, क्योंकि पैसा खर्च करके गिफ्ट देने से क्या फ़ायदा, जो यूज ही ना हो, आखिर में घर में हम लोग सजा के रखेंगे। तो मैं उनके लिए एक मतलब उनका फेस वॉश है जो ख़त्म हो गया था, तो मैं वही ला दी, तो उसी को मैं पैक करके दे दूँगी। और छोटा सा एक पेस्टीज मंगा दी कि हम लोग रात को कट कर लेंगे, क्योंकि वो शॉप से बहुत रात लेट से आते हैं, तो उस टाइम में शॉप बंद हो जाता है। और उसके बाद उनका फेवरेट कोई खाना बना देते हैं, वही तो है, उससे ज़्यादा हम लोग क्या मनाएंगे। हम लोग हाउस वाइफ लोगों का वैलेंटाइन डे ऐसा ही कुछ मनता है। तो आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा मनता है। तो आगे आगे जो होगा थोड़ा सा मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, और रोटी बनाऊँगी, और थोड़ा सा मैं अपने लिए चावल बनाऊँगी, क्योंकि मेरा कल से अब एकादशी व्रत है, परसों वीरवार के दिन, तो कल से हम मैं रोटी खाऊंगी, परसों मेरा व्रत ही रहेगा, फिर उसके अगले दिन रोटी ही खाऊंगी। तो 2-3 दिन ऐसे 3 दिन लगातार रोटी खाऊंगी। तो आज सोची मैं थोड़ा सा अपने लिए चावल बना लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं कैसे कैसे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और रात को भी थोड़ा सा होगा तो मैं ब्लॉग बना दूँगी, मैं अपने बेटे को बोलूँगी बनाने के लिए, बनाता है कि क्या करता है। तो ऐसे मेरे आँखों में ना पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं उस दिन गई थी चेक कराने, तो बोले थे कि थोड़ा चश्मा पहन के रखिए ऐसे मोबाइल वोबाइल चलाने के टाइम में, तो इसीलिए मैं पहनी हूँ चश्मा। तो चलिए मैं बात नहीं करती हूँ, बात करती हूँ तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एकदम थोड़ी देर के बाद, जब फाइनली कुछ करेंगे हम लोग, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा।